हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 12 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से हम लोग का एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ मोटर स्टार्ट हो रहा है, हिस्टेरेसिस मोटर। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको पूरा का पूरा हिस्टेरेसिस मोटर कवर हो जाएगा। हिस्टेरेसिस मोटर को भाई समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बनाते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है स्पेशल मशीन, और स्पेशल मशीन में हम लोग का टॉपिक था आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो अभी सिंक्रोनस मोटर के ऊपर अगर बात करें तो ये आपका दो तरीके का होता है। जो सिंक्रोनस मोटर है ये दो तरीके का मोटर है, एक तो आपका थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर और दूसरा आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अब ये दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये डबली एक्साइटेड मशीन होता है भाई, ठीक है। डबली एक्साइटेड कहने का मतलब क्या कि इसमें हम लोग स्टेटर में भी सप्लाई देंगे और रोटर में भी सप्लाई देते हैं। रोटर में हम लोग DC एक्साइटेशन देते हैं, वही आपका जो स्टेटर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं ताकि हम लोग का स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सके, क्लियर हुआ। और जो आपके सिंक्रोनस मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग इंडक्शन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आपका रोटर इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण सिंक्रोनस स्पीड के बहुत करीब करीब पहुंच जाता है, जैसे मान लेते हैं जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मान लेते हैं 1500 RPM पे घूम रहा है, राइट। तो जो आपका रोटर है भाई, रोटर का स्पीड NR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं आपका ये 1400 RPM पे घूमना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये किसके कारण घूमेगा, तो इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण घूमेगा। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है सिंक्रोनस मोटर का कि स्टार्ट कैसे होता है, ये सेल्फ स्टार्ट कैसे ये नहीं होता है, इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, ओके। ऐसा थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पे। तो जैसे ही आपका रोटर 1400 RPM के करीब करीब पहुँचेगा, फिर ये 1450 RPM के करीब करीब पहुँचेगा, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, रोटर के अंदर DC एक्साइटेशन दे देते हैं। और DC एक्साइटेशन देते ही क्या होता है, आपका रोटर एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसका नॉर्थ और साउथ जो होता है फिक्स हो जाता है, और यही क्या करता है एक तरीके से सिंक्रोनिज्म में रोटर को लेकर के आता है, यानी 1400 से डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा 1500 RPM पे, और फिर मैग्नेटिक लॉकिंग होकर के ही घूमना स्टार्ट करता है, यानी कंटिन्यू करते रहता है, ओके। तो ये आपका डबली एक्साइटेड होता है। लेकिन जो आपके सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होते हैं, जिसमें एक था आपका रिलक्टेंस मोटर, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में भाई हम लोग डबल एक्साइटेशन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर के अंदर हम लोग सप्लाई देते हैं, रोटर के अंदर हम लोग कभी भी DC एक्साइटेशन ऐसा इसमें नहीं देते हैं। ये आपका क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है, ओके। एक ही वाइंडिंग के अंदर हम लोग सप्लाई देंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, कौन सा, तो सिंगल फेज। और सिंगल फेज में भी बताया था दो तरीके का होता है, रिलक्टेंस मोटर तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हिस्टेरेसिस मोटर। तो हिस्टेरेसिस मोटर को समझने के लिए भाई आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा BH कर्व, और थोड़ा सा आपको समझना होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट, या फिर कहिए आपको यहाँ पे समझना होगा एक तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी, या फिर कहिए इसका बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या होता है, ओके, या फिर कहिए हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, BH कर्व क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे दो डायग्राम को समझेंगे। एक आपका ये जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, इसमें आपका कुछ नहीं, एक सोलेनोइड है, एक आप देख रहे हैं ये AB से जो दिखाया गया है ये आपका एक फेरोमैग्नेटिक कोर लिया गया है, कुछ भी हो सकता है, ओके। लोहा आप समझिए, लोहा लिया हुआ है हम लोगों ने, इस पर अपने इस तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने DC सप्लाई दे रखा है, क्योंकि DC के अंदर आपका T=∞ पे एक तरीके से इंडक्टेंस नहीं होता है ना, समझ रहे बात को, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, ओके। तो सीधी सी बात है, करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, और इसका एक और काम है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बस समझिए। क्योंकि अगर यहाँ पे लिमिटिंग रेजिस्टर नहीं लगाएंगे तो ये पूरा पूरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आपका बैटरी आग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, वाइंडिंग आपका जल जाएगा, क्लियर हुआ। और दूसरा जो फोटो है भाई, ये है आपका पूरा का पूरा BH कर्व, ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के सहारे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के सहारे, क्योंकि इसका अगर हम लोग
वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जो एमीटर आपको नाप करके दे रहा होगा, वो भी आपका क्या होगा, एक तरीके से घटेगा बढ़ेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग इस बैटरी का जो टर्मिनल है, जैसे ये भी प्लस है, इधर आपका माइनस है, सही बात है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी एक केस में अगर ये प्लस है तो माइनस है, तो सेकंड केस में क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे, बैटरी को निकाल के फ्लिप कर देंगे, यानी इधर माइनस वाला जोड़ देंगे, इधर आपका प्लस वाला जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट आपका निकलेगा, ठीक है। यानी इधर से जो करंट आ रहा है, मतलब देखिए बैटरी को फ्लिप करने का मतलब यही है कि हम लोग डीसी के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट बना सकते हैं हम लोग, समझ में आया? क्योंकि भाई देखिए, जब आप इस तरीके से जोड़ रहे हैं, ऊपर वाले को प्लस और इधर आपका माइनस रहेगा, तो मान के चलते ही आपका करंट जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसके पोलरिटी को बदल दूं, इधर आपका माइनस हो जाए, इधर आपका प्लस हो जाए, तो आप कहिएगा ना कि अब करंट इसका जस्ट अपोजिट, यानी इधर से नहीं बह करके इधर से बहना स्टार्ट करेगा, यानी इसको हम लोग नेगेटिव में दिखा सकते हैं, ओके। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग रजिस्टर को वेरिएबल किया हुआ, तो सीधी सी बात है करंट आप कह सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग रजिस्टेंस को कम करेंगे वैसे वैसे करंट मेरा धीरे 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 बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर करंट मतलब रेजिस्टेंस को फिर से बढ़ाएंगे तो फिर से ये करंट घटने लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके बस समझिए कि हम लोग डीसी का सहारा लेकर के क्या कर सकते हैं, एसी बना सकते हैं, इस तरीके का हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं भाई हाफ पॉजिटिव साइकिल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के ऊपर हम लोग का कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। ये हम लोग का सोलेनॉइड है, इसमें मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से करंट दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ना। तो अभी इसका जो ग्राफ बनता है, ये हो गया आपका एच और ये हो गया आपका बी। तो एच इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाय एल, ठीक है। एन जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स, कॉन्स्टेंट होगा, ये आपका जो मीन लेंथ होता है ये भी कॉन्स्टेंट होगा, करंट, यानी आप कह सकते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई होता है। और B की बात करें फ्लक्स डेंसिटी, तो क्या होता है फाई बाय एरिया, तो एरिया अगर कांस्टेंट ले तो क्या हो जाएगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाई। तो इस एक्सिस को हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे फाई यानी फ्लक्स वर्सेस आई भी दिखा सकते हैं, राइट। तो जैसे ही हम लोग अपने बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी क्या है, मान लेते हैं आपका जो मटेरियल है वो बिल्कुल न्यू है, तो उस केस में क्या है, आपका एक तरीके से करंट अभी जीरो, तो करंट जीरो तो अभी आपका फ्लक्स भी एक तरीके से जीरो होगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल नया है, इससे पहले इसमें कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ये सब नहीं है, ओके। तो अभी यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग बुक पे आते हैं, यहाँ से आपका ग्राफ बनना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस को वेरी करके, वैसे वैसे क्या हो रहा है, देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग एच को बढ़ा रहे हैं, एच मतलब करंट को बढ़ाना, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ करंट बढ़ाना, और बी मतलब फ्लक्स एक तरीके से बढ़ना। तो जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ग्राफ आपका इस तरीके से जाता है, और यहाँ पे आकर के ये सैचुरेशन अकर हो चुका है, मतलब अब एच को कितना भी बढ़ा दीजिए ये आपका एक तरीके से लीनियर हो जाएगा, आपका बी में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग इस साइकिल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझिए, क्योंकि प्रैक्टिकल केस में हम लोग तो भाई एसी ही देते हैं ना। तो हाफ पॉजिटिव साइकिल देख रहे हैं, करंट धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि हम लोग का ये सैचुरेशन रीजन आ चुका है, ठीक है। अब देख रहे हैं सर, ये मैक्सिमम करंट होने के बाद क्या है, यहाँ पे टाइम दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका करंट का एक्सेस, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अब गिरेगा, यानी करंट आपका कमेगा। तो करंट जब कमता है तो ये वापस अपने पुराने वाले पाथ को फॉलो नहीं करता है, पहले ये कैसे गया आपका, जब करंट बढ़ रहा था यहाँ से, उस समय इस पाथ को फॉलो करके गया, यानी ओ और ए, ठीक है, ओ ए को फॉलो किया। लेकिन जब करंट घटेगा यानी गिरने लगेगा, तो अब जो है ये आपका ये नया पाथ फॉलो करता है इस तरीके से, ओके। ये मटेरियल का एक तरीके से बिहेवियर है। तो ए से कहाँ पहुँच गया, ये आपका बी पे पहुँच गया, ठीक है। यानी करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो आप कहाँ पहुँच गए, ए से यानी सैचुरेशन से कहाँ पहुँच गए हैं, बी पे पहुँच गए हैं, क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट पे अब रुक जाइए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको समझा रहा हूं। दोनों जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ था, एच भी मेरा जीरो था शुरू में और बी भी मेरा एक तरीके से जीरो था शुरू में, ठीक है। और ये धीरे धीरे ऐसे गया, फिर ये आपका ऐसे आ गया एक तरीके से, क्लियर हुआ। तो इस पॉइंट पे जिसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे देखिए भाई आपको ग्राफ देखना आना चाहिए। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे
तो जो मेरा एच है, एच को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है, देख रहे हैं ये एक्सिस पे मेरा एच है एक तरीके से। तो इस पॉइंट से अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो मेरा एच मेरा क्या हो चुका है, एक तरीके से जीरो हो चुका है। लेकिन जो बी है, बी को मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखाया, तो बी देख रहा है, बी अभी भी मेरा क्या है, इतना मैग्नीट्यूड है, ये पूरा का पूरा क्या है मेरा बी है ना, समझ रहे हैं, ओ बी, ओ बी क्या है एक तरीके से मेरा फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कुछ ना कुछ अभी भी फ्लक्स बना, मतलब एच जब मेरा जीरो है तो उस केस में ओ बी, कैपिटल ओ स्मॉल बी जो है मेरा क्या है एक तरीके से अभी भी मटेरियल के अंदर फ्लक्स बना हुआ है, यानी इस मटेरियल के अंदर अभी भी क्या है एक तरीके से फ्लक्स है। कब? करंट को जीरो करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो हो चुका है ना, करंट जीरो इसका मतलब क्या, एच जीरो, ठीक है। जब मेरा एच जीरो है उस समय मेरा बी जीरो नहीं हुआ है मटेरियल के अंदर, बी अभी भी क्या है इतना मैग्नीट्यूड का है, क्लियर हुआ, समझे। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी करंट को एक तरीके से जीरो करने के बाद भी अगर उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, क्लियर हो गया, ये सब पता होना चाहिए, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। अब देखें, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्राफ को देखें तो ये आपका क्या होगा, अब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब क्या, एच जो होगा मेरा पूरा ये माइनस आ जाएगा, मतलब एच अब नेगेटिव में जा रहा है ना एक तरीके से। तो अब हम लोग एच को अगर हम लोग फर्दर बढ़ाते हैं, ठीक ना भाई, देख रहे हैं एच मेरा कितना है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ से ग्राफ जा रहा है यहाँ, मतलब बी से स्मॉल सी तक, तो देखिए एच को देखें, एच हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस पे दिखाया था, एच मैंने कितना दे दिया, ओ सी, कैपिटल ओ स्मॉल सी, ये मेरा नेगेटिव में है ये पूरा पूरा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो इतना मैंने जब नेगेटिव में एच दिया है, यानी इस पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एच को देखेंगे अगर हम लोग, तो मतलब इस पॉइंट पे पहले आप बी को देखिए, इस पॉइंट पे सी से अगर आप बी को देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आ रहा है ना बी वाला एक्सिस, क्योंकि बी मेरा क्या, वाई एक्सिस। तो इस सी पॉइंट पे क्या है कि बी मेरा जीरो हो गया है, लेकिन एच जो है, एच मेरा भी जीरो नहीं हुआ, एच का कितना मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नीट्यूड है, वो भी माइनस में, क्लियर हुआ, ओके। तो ये जो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, इसको जीरो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव में इतना एच देना पड़ जा रहा है, समझ गए। और उसके बाद फिर फर्दर, यानी अब फर्दर इस तरीके से अब चले ही जाएंगे, यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, ये आपका मैक्सिमम अचीव कर गया, यानी नेगेटिव में ये आपका सैचुरेशन आ गया, ओके। उसका फिर करंट धीरे धीरे घट रहा है, तो ये घटेगा तो फिर यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे आपका जो बी है ये बी ओ ई के बराबर है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे एच मेरा क्या हो गया, एक तरीके से जीरो हो चुका है, क्लियर हुआ। और फिर उसी तरीके से फिर आपको एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एच, ताकि आप इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को फिर से क्या कर सके, जीरो कर सके। तो इस तरीके का आपका क्या बनता है, बी एच कर्व बनता है। आप समझिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैपिटल ओ स्मॉल बी मैंने आपको बताया कि ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। अब मेरे को बताइए भाई, ये जितना बड़ा होगा, मतलब ओ बी, ओ बी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे होता है, ये बी पॉइंट यहाँ पे होता है, तो ये देख रहे हैं ग्राफ आपका पूरा चौड़ा बनता है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं, एक मान लेते हैं कुछ इस तरीके का बना, तो इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बताइए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, यही है इतना, ठीक है, इतना है। लेकिन मान लेते हैं एक ग्राफ जो है मेरा कुछ इस तरीके से जाकर ऐसे बनता, तो इसमें देख रहे हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब जितना चौड़ा, चौड़ा मतलब वाइडर एक तरीके से इस तरीके का, ओके, जितना चौड़ा या फिर कहीं जितना मोटा आपका एक तरीके से बी एच कर्व बनेगा, उसमें कहिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उतना ही ज़्यादा होता है, समझ गए। अगर चौड़ा होता ऐसे आता, ठीक है, ऐसे आकर के फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे जाता, तो ये उतना ही ज़्यादा उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो ओ बी है, ठीक है ना भाई, इस ओ बी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मेरा स्मॉल बी है, यहाँ पे मेरा स्मॉल सी है, ठीक है, मेरा स्मॉल डी, फिर ई, फिर आपका एफ। अब थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए पहला लाइन क्या बोलता है, हम लोग के पास एक सोलेनॉइड है ए बी जो कि अभी अनमैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, यानी इसमें कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है। जैसे ही हम लोग इस सोलेनॉइड के अंदर करंट देंगे, और करंट अभी मान के चल रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट अगर मेरा जीरो है इस केस में, तो एच भी मेरा जीरो होगा और बी भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा उस लोहे के टुकड़े में, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग एच बढ़ाएंगे, एच बढ़ाने का मतलब समझिए करंट मेरा एक तरीके से बढ़ रहा है, मतलब करंट हम लोग
किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट आपका बढ़ना एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे, मतलब करंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा बी भी एक तरीके से बढ़ेगा, और ये बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक, आपका सैचुरेशन तक, ठीक है, यानी ये वाले पॉइंट तक। इसको हम लोगों ने क्या बोला है किताब में, ए बोला है, ठीक है, इसको बोल दिया हम लोगों ने बी मैक्स। क्लियर हुआ, यहाँ तक जाएगा द मटेरियल इज सैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा, एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे आप फ्लक्स, मतलब एच को आप कितना भी क्यों ना बढ़ा लें, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कितना भी क्यों ना बढ़ा लें, आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया। और इस केस में आपका जो बी एच कर्व बनेगा उसका क्या पाथ होगा, ओ ए, ओ मतलब ओरिजिन से यहाँ तक, ये वाला पाथ बना आपका फर्स्ट। सेकेंड लाइन में क्या बोला, अब क्योंकि करंट घटेगा हम लोग का, ठीक है, क्योंकि एसी का ऐसे ही नेचर होता है ना भाई, यहाँ से करंट अब घर गिर रहा है, तो करंट गिरेगा तो एच भी मेरा गिरेगा, ठीक है, और एच जब गिरेगा, इट इज़ फाउंड दैट द फ्लक्स डेंसिटी डज नॉट डिक्रीज अलोंग द सेम लाइन, मतलब ये अब यहाँ पे करंट जब आपका जीरो पहुँच गया तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि एच मेरा जीरो हो चुका है, लेकिन बी मेरा अभी भी क्या है, कुछ ना कुछ इसका फाइनाइट वैल्यू है, समझ गए। लेकिन स्टार्टिंग में जब ओरिजिन पे था ये, तो दोनों साथ में चला था, ये भी जीरो था एच और बी भी मेरा जीरो था, यानी आप कहेंगे एक एनालॉगस दो तो समझिए एक रेस है, ठीक है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग के केस में दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया, लेकिन जो इसका रेस एंड हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देख रहे हैं एच जो है मेरा वो एक तरीके से क्या है, जहां मतलब जीरो पे पहुंच चुका है वो, ठीक है, लेकिन बी अभी भी जीरो नहीं हुआ है, समझ गए बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि एच मेरा आगे भाग रहा है बी के मुकाबले, समझ गए बात को, क्योंकि एच मेरा जीरो हो चुका है ना भाई, समझ गए, इसको स्टार्टिंग से समझिए ना, स्टार्टिंग में एच भी मेरा जीरो था और बी भी मेरा जीरो है, ठीक है, तो जब मेरा करंट जीरो हुआ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एच मेरा जीरो हो चुका है, ठीक है, लेकिन बी मेरा भी जीरो नहीं होता, बी अभी भी क्या है, पीछे रह चुका है, वो अभी भी सफर में ही है, अपने रास्ते में ही है, कहीं एक तरीके से भटका हुआ, ठीक है, लेकिन एच क्या है, एक तरीके से घर पहुंच चुका है और वो रेस्ट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो जीरो हो चुका है। तो आप कहेंगे ना कि एच मेरा एक तरीके से लीड कर रहा है किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। क्लियर हुआ। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग एच को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि करंट मेरा एक तरीके से कम हो रहा है, जो फ्लक्स डेंसिटी है बी डज नॉट डिक्रीज अलोंग द सेम लाइन बाय विच इट हैज इंक्रीज बट फॉलो द पाथ ओ बी, मतलब एच मेरा जीरो हो जाएगा लेकिन बी मेरा जीरो नहीं हो जाएगा। बोलता है एट द पॉइंट बी द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज जीरो, यानी इस पॉइंट पे एच मेरा जीरो हो चुका है, बट द फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल हैज फाइनाइट वैल्यू, अभी भी है, कितने के बराबर, ओ बी के बराबर, ये मेरा ओ है, ये बी है, इतने के बराबर मेरा अभी भी है यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेंसिटी मतलब होता है इसका, ठीक है। बोलता है इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ समझिए, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एच, मतलब एच मेरा एक तरीके से जीरो हो गया, द आयरन पीस स्टिल रिमेन सम मैग्नेटिज्म, यानी इसका मतलब वही हो गया कि एच को जीरो करने के बाद भी, मतलब एच तो मेरा जीरो हो गया इस पॉइंट पे, लेकिन अभी भी क्या है, एच जीरो मतलब कहिए करंट मेरा जीरो, तो अभी भी क्या है कि ये मैग्नेटिक इस पीस ऑफ आयरन के अंदर अभी भी क्या है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एक तरीके से रिटेन है, रिटेन का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, ठीक है, इसके अंदर अभी भी एक तरीके से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बना हुआ है। इन अदर वर्ड, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि बी जो होता है लैग करता है एच से, ठीक है, द ग्रेटर द लैग, जितना ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा, लैग कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं ग्राफ आपका ऐसे आता, तो इस पॉइंट पे आपका बनता, ये ए होता है, यहाँ पे बी, तो ज़्यादा लैग करता ना, समझ रहे बात को, ये इतना ज़्यादा लैग कर रहा है, समझ रहे बात को, यहाँ पे भाई लैग करना मतलब एच जीरो है लेकिन बी देख रहे हैं, बी का वैल्यू पहले से ज़्यादा है तरीके से, ठीक है, तो ज़्यादा लैग कर रहा है ना, समझ गए, तो ही बोल रहा है जितना ज़्यादा लैग करेगा उतना ही ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसके अंदर रहेगा। ओके, अब बोलता है रिटेन बाय द आयरन पीस, मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना हुआ रहेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलता है द पावर ऑफ रिटेनिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी किसी मटेरियल के अंदर जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म धारण करने का या फिर कहिए बनाए रखने का क्षमता होगा, उस मटेरियल का उतना ही ज़्यादा हाई रिटेंटिविटी होता है, मतलब रिटेंटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के ऊपर, जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अगर है धारण, मतलब करंट को कम कर जीरो करने के बाद जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा उतना आप कह सकते हैं उस मटेरियल का रिटेंटिविटी हाई है। क्लियर हुआ। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिटेंटिविटी मतलब समझिए, जितना ज़्यादा रिटेंटिविटी होगा किसी मटेरियल का, इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा
एक तरीके से रिसीडुअल मैग्नेटिज्म अपने अंदर बनाए रख सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भाई मटेरियल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि बी जो है मेरा लैग रहता है, यानी पीछे रह जाता है एच के मुकाबले। तो इसको समझने के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाता हूँ। देखिए, जब आप मैग्नेटिक मटेरियल पढ़िएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी ये सब बताया हुआ डेप्थ में, तो उसमें एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इस तरीके का आपका पूरा पूरा ब्लॉक होता है, मतलब उन लोग का ब्लॉक बटा हुआ रहता है, ठीक है। और मान लेते हैं अभी ऐसी फेंका हुआ कहीं पे भी रोड के किनारे या फिर कहीं आपके रूम में कहीं पे फेंका हुआ है, तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल होता है, एक मैग्नेट के ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगा अभी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है ना उसमें हम लोग को मिलेगा, वो पूरा का पूरा आपका क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आएगी मैग्नेट कैसे काम करता है, फिर मैग्नेट कैसे बनता है। तो बस समझिए, अभी मोटा मोटी समझिए कि इसमें डोमेन्स होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही रखा हुआ कहीं पे भी, तो इनके जो डोमेन्स हैं, नहीं जो घर है, इसको आप कह सकते हैं घर है, ये घर है, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो इनमें जहाँ मन तहाँ होते हैं अलाइन। जैसे मान लेते हैं इसमें सब इस डायरेक्शन में है अलाइन डाइपोल, तो इधर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, ओके, और इधर मान लेते हैं कुछ ऐसे है अलाइन, ओके। इसमें मान लेते हैं आपका इस तरीके से है, इसमें मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, इसमें मान लेते हैं कुछ ऐसे है, इसमें मान लेते हैं कुछ ऐसे है, मतलब इनका जो अलाइनमेंट होता है कुछ इस तरीके से होगा कि ओवरऑल जब सबका इफेक्ट देखेंगे ना, तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैग्नेट मिलेगा, यानी जो मैग्नेटिज्म मिलेगा, वो जीरो होता है एक तरीके से। क्लियर हुआ? जैसे हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखा है ना भाई, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई कॉपर वायर है, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, हजारों करोड़ों करोड़ों एक तरीके से एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से अपने जो उनका वैलेंस बैंड होता है उसमें एक तरीके से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो क्या होता है, वो तितर बितर होता है, कहीं इधर कभी इधर कभी इधर, तो उसके चलते हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक करंट जीरो मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये जो आपका डाइपोल है ये जैसे मन तैसे इतर बितर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो देखने को मिलेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का खासियत क्या होता है भाई, कि अगर इसको आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लेते इधर मैं नॉर्थ और इधर मान लेते हैं मैं साउथ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दे रहा हूँ, तो इसका बिहेवियर क्या होता है कि अब जैसे नॉर्थ से साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, समझ रहे बात को, तो इसके अंदर का जो डाइपोल है ये डाइपोल इस तरीके से अलाइन होगा, समझिए। अब देखिए, जैसे ही आप इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा नॉर्थ साउथ, अब मैं यहाँ पे इसका घर नहीं बनाऊंगा, बस समझिए कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, समझे। तो इसके अंदर का जो डाइपोल था वो पूरा का पूरा क्या होगा, इसी तरीके से अलाइन हो जाता है, समझे, इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। यानी आपका जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये भी एक तरीके से क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ओके। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पूरे के पूरे डाइपोल को, जो बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में एक तरीके से अलाइन कर देना, ठीक है। तो ये पीस ऑफ मटेरियल भी क्या होता है, एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर हुआ? लेकिन अभी हम लोग भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जो हम लोग पास सोलेनॉइड है, इसमें तो हम लोग एसी देंगे ना, समझ रहे हैं, एसी पे काम कर रहे हैं। यानी जब हाफ पॉजिटिव होगा तो हाफ पॉजिटिव में मान लेते हैं आपका ये जो मटेरियल है ये इस तरीके से अलाएंगे, ठीक है, यानी राइट साइड में पूरा पूरा अलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका कुछ समय के बाद जब हाफ नेगेटिव आएगा, तो हाफ नेगेटिव में क्या होता है, ये एक तरीके से उल्टा घूम जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डाइपोल भी एक तरीके से इस तरीके से चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? यानी अब क्योंकि हम लोग का जो सप्लाई है उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़। कहने का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में आपका ये जो डाइपोल है लेफ्ट राइट कितने बार हो रहा होगा, 50 बार हो रहा होगा एक सेकेंड के अंदर, 50 बार इस तरीके से लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब मैं आपको एक एनालॉगस देता हूँ यहाँ पे, देखिए मान लेते हैं आप अपने ही पोजिशन पर खड़े हैं, ठीक है, और सिर्फ आपको अपने गर्दन को लेफ्ट राइट नहीं घुमाना है, बल्कि आपके पूरे बॉडी को एक तरीके से लेफ्ट राइट घुमाना है। अब अगर एक ही पोजीशन पर खड़े होकर के अपने पूरे बॉडी को लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका ये जो पैर है
ये पैर के नीचे इतना फ्रिक्शन जनरेट होने लगेगा कि आपका पैर पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर कहिए जो आपका जूता, आपने जो जूता पहना हो, जूता का जो सोल है वो गर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि, या फिर आप ऐसा कहिए कि बार बार आप लेफ्ट राइट हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, आपके अंदर थकान आने लगेगा, आप थक जाइएगा, ठीक है। कुछ देर के बाद हो सकता है कि आप चक्कर खा करके गिर जाएं, या फिर हो सके आप खड़े ना रह पाएं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर से हमेशा क्या हो रहा है, एनर्जी हीट के फॉर्म में आपके पैर के नीचे एक तरीके से ख़त्म होते जा रहा है। ओके, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अपने मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लगाते हैं। देखिए, ये जो डाइपोल है, क्योंकि इसको एक सेकेंड में 50 बार एक तरीके से, एक बार इधर फिर इधर, एक बार इधर फिर इधर करना है, तो यहाँ पे भी क्या होता है भाई कि देखिए, सबसे पहले ये डाइपोल जो है ना, एक मैग्नेटिक मटेरियल को दिखाने का तरीका होता है, बस समझिए ये एटम्स है एक तरीके से, समझे, छोटे छोटे एटम्स है, क्योंकि कोई भी मटेरियल आपका क्या है, एटम से मिल करके बना हुआ। तो इनमें क्या होता है, ये जब लेफ्ट राइट इस तरीके घूम रहा है, तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण उसमें हीट पैदा होता है। क्लियर हुआ? और हीट पैदा हो रहा है तो सीधी सी बात है भाई, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप करंट दे रहे हैं बाहर से, यानी जो भी आप एच दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे रहे हैं, उस फोर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, इनमें हीट के फॉर्म में एक तरीके से ख़त्म हो जा रहा है। क्लियर हुआ? सबसे पहले तो एक पोर्शन ख़त्म हुआ, अब दूसरा पोर्शन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी मान लेते हैं ये पूरा का पूरा डाइपोल जो है राइट साइड में अलाइंग है, ठीक है, और राइट साइड में अलाइंग है, इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने इसको हाफ पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग हाफ नेगेटिव देंगे, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, तो भाई इस पूरे संसार में, मतलब कोई भी नॉन मेटल हो या फिर कहिए मतलब लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग, वो सबके ऊपर अप्लाई होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, अगर कोई मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये अपने आप को इसने क्या कर रखा है, राइट साइड में पूरा का पूरा अलाइन कर रखा है, ठीक है, हाफ पॉजिटिव के कारण अभी जो अलाइनमेंट है राइट साइड में हो रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड में दें, मतलब ये हाफ नेगेटिव साइकिल देंगे, तो ये पूरा का पूरा यानी 100% जो है ये इस डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता है कभी भी, समझाया, ध्यान समझिए। अगर ये अपने आप में 100% है, तो 100% का मात्र 90% ही क्या होगा, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में एक तरीके से अलाइन हो पाता है, बाकी का जो 10% है वो पुराने वाले डायरेक्शन में ही रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे समझिए कि ये मान लेते हैं हम लोगों ने हाफ पॉजिटिव साइकिल दिया, तो उस बेसिस पे क्या है, एक तरीके से ये पूरा का पूरा एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, और ये एक तरीके से मैग्नेटिक तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे करंट मेरा जीरो हो गया, यानी एच जीरो हो गया, तो सीधी सी बात है इसको पुराने स्टेज में आ जाना चाहिए था। पुराने स्टेज में कैसे था, सब तितिर बितिर था, कोई इधर 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 था, समझ रहे बात को, ऐसे था तितिर बितिर, यानी ओवरऑल क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इसका जीरो था, कब, जब इसमें आपने कोई करंट वरेंट नहीं दिया होता। लेकिन अभी मान लेते हैं ये इस तरीके से अलाइन है, और जैसे ही आपका ये करंट यहाँ पे जीरो होगा, तो इस केस में ये पूरा का पूरा इस तरीके से पुराने वाले पोजीशन में नहीं आता है, समझ के बात को, पुराने पोजीशन में तितिर बितिर नहीं होगा, कुछ मतलब कह सकते हैं 80% जो है आपका ये तितिर बितिर हो जाएगा, लेकिन 20% जो डाइपोल हैं वो अभी भी क्या होते हैं, ये पुराने डायरेक्शन में ही अलाइन रह पाते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। इधर दिखा देता हूँ कि कुछ जो है इस तरीके से ऐसे तितिर बितिर हो गया, लेकिन इसका 20% जो अभी भी क्या है, एक तरीके से राइट साइड में अलाइंड है, ठीक है। अब क्योंकि अलाइंड है एक ही डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, मैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। और यही चीज, या फिर कहिए इसी के कारण हम लोग बोलते हैं कि करंट खत्म होने के बाद भी, फिर कहिए एच खत्म होने के बाद भी क्या है, पीस ऑफ मटेरियल क्या कर रहा है, एक तरीके से मैग्नेटिक तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर हुआ? और एक तरीके से हम लोग का क्वेश्चन था कि H जो है हमेशा लीड क्यों करता है, फिर कहिए B जो है हमेशा लैग क्यों करता है H से, तो इसका इसका भी आंसर यहीं पे छुपा हुआ है कि जैसे ही आपने H को जीरो किया, उस केस में आपका जो B है वो B जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल्स होते हैं वो पुराने स्टेज में तितिर बितिर जैसे थे वैसे नहीं हो पाते हैं। क्लियर हुआ? वो अभी भी क्या है, एक तरीके से पहले वाले पोजीशन में ही अलाइंड रहते हैं, इसीलिए बी मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू शो करेगा, और एच मेरा एक तरीके से क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म धारण करने का क्षमता होगा किसी मटेरियल के अंदर, उसका मतलब है कि उसका रिटेंटिविटी उतना ही ज़्यादा
हाई है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वही चीज़ बताएगा कि बी जो है हमेशा लैग क्यों कर जाता है एच से, तो बोल रहा है कि द हिस्टेरेसिस इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस इफेक्ट। हिस्टेरेसिस इफेक्ट क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या बोलता है, द हिस्टेरेसिस इफेक्ट इन द मैग्नेटिक मटेरियल इज ड्यू टू द अपोजिशन ऑफर बाय द मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन मतलब जो मैंने इस तरीके से एरो से दिखाया ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन। ये मैग्नेटिक डोमेन हमेशा क्या करता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब क्या, कि एक बार राइट साइड में अलाइन हो गया तो फिर से ये लेफ्ट साइड में अलाइन होने के लिए नहीं, एक तरीके मतलब ये रेजिस्टेंस शो करेगा, ये नहीं होता, अपोज करता है एक तरीके से। इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, इनर्शिया में भी वही होता है ना कि अगर आप मोशन में हैं तो आप हमेशा मोशन में ही रहने का कोशिश करेगा बॉडी, कब तक, जब तक कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, समझ गए। मतलब आपका बॉडी हमेशा रेजिस्ट करेगा स्टॉप होने के लिए, ठीक है, स्टॉप नहीं होना चाहता एक तरीके से। तो वही है कि यहाँ पे ऑपोजिशन ऑफर होता है किसके कारण, तो मैग्नेटिक डोमेन के कारण, या फिर कहिए मॉलिक्यूलर मैग्नेट के कारण, मतलब वही है, इसमें एटम्स है ना छोटे छोटे, उसको बोल रहा है मॉलिक्यूल्स। टू द टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट वही है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है ना, मतलब हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, ठीक है। बोलता है वंस अरेंज इन एन ऑर्डरली पोजिशन, यानी एक बार अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पोजिशन हो गया, हमारे पूरा पूरा लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स द मैग्नेटिक डोमेन डू नॉट रिटर्न एग्जैक्टली टू द ओरिजिनल पोजिशन, और फिर जैसे ही आपका करंट जीरो हो गया, फिर कहीं नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो उस केस में ये पूरा का पूरा क्या होता है, पुराने स्टेट में नहीं आ पाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मटेरियल रिटेन सम मैग्नेटिज्म, और वही है कि आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर करंट जीरो हो गया, उसके बावजूद इस मटेरियल के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बना हुआ रहता है, ठीक है, भले ही आप वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को ही क्यों ना एक तरीके से रिमूव कर दें। इसी के कारण बी जो होता है हमेशा क्या करता है, लैग करता है एच से, ठीक है। कोरोसिव फोर्स क्या होता है, सब आपको पता होगा, ठीक है, यानी बी को अगर आपको जीरो करना तो एच को आपको नेगेटिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा करके देना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है वो समझ में आया होगा, रिटेंटिविटी क्या होता है वो समझ में आया होगा, रिटेंटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है मटेरियल का, ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब यूज़ करेंगे हम लोग हिस्टेरेसिस मोटर को समझने के लिए। अब है हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, तो देखिए वही सब लिखा हुआ है। When a magnetic material is subjected to a cycle of magnetization, यानी एक हम लोग के पास सोलेनोइड है, उसमें हम लोग कुछ इस तरीके का करंट दे रहे हैं, इट मैग्नेटाइज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में पूरा का पूरा आपका अलाइन हो जाएगा, एंड देन इन द अदर, यानी जब हाफ नेगेटिव जाएगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में सब फेस कर लेगा। अब इसके कारण मतलब ये डोमेन जो है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, इस तरीके से अलाइन हो रहा है, इसके कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस, यानी इसके कारण हम लोग का एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इन द मटेरियल। वही है भाई, एक बार लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो हीट पैदा होगा कि नहीं होगा, आप अपने आप को एक जगह खड़े होकर के फिर कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट घुमाइएगा तो क्या होगा आपका, एक तरीके से एनर्जी लॉस होगा। वही चीज़ है यहाँ पे, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। दैट इज़ द डोमेन, या फिर कहीं मॉलिक्यूलर मैग्नेट ऑफ द मटेरियल रेजिस्ट बींग टर्न फर्स्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अदर, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफर करना लगता है, इसको मन नहीं है एक तरीके से उस तरीके करने का, ठीक है, चेंजेस ये एक तरीके से पसंद नहीं है इसको। एनर्जी इज दस एक्सपेंडेड इन द मटेरियल, अब जो भी आप एनर्जी दे रहे हैं, जो भी आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी जो करंट दे रहा है, वो एक तरीके से क्या होगा इसके अंदर लॉस के रूप में देखने को मिलता है, और लॉस कैसा मिलेगा आपको, ये हीट के फॉर्म में, दिस लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। द हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रेजेंट इन ऑल दोज इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट ही तो बनाते हैं, मैग्नेट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, यानी आपने एक लोहा लिया, लोहे पे तार लपेटा, उसमें करंट दिया, ठीक है, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, और उसमें एसी करंट दे रहे हैं, तो वही है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, यानी एक बार लेफ्ट राइट एक बार लेफ्ट, तो वहाँ पे आपको हिस्टेरेसिस लॉस देखने को मिलेगा। जैसे आपका ट्रांसफार्मर है एसी पे काम करता है तो उसमें दिखेगा आपको, ठीक है, और भी जितने आपके अल्टरनेटिंग जैसे इंडक्शन मोटर हो गया पूरा पूरा वहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर कहिए आप जनरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, जनरेटर क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ, यहाँ पे आप कंडक्टर को घुमा रहे थे, इस कंडक्टर में क्या होता है एक तरीके से एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कि नहीं होता, तो एसी ईएमएफ है तो इसका मतलब क्या, लोड लगाई तो इसके अंदर एसी करंट होगा, एसी करंट होगा इसका मतलब क्या, एक तरीके से ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, वहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा, ओके। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ओके। अब हम लोग आते हैं अपने हिस्टेरेसिस मोटर के ऊपर, तो यहाँ से भाई हम लोग अपने हिस्टेरेसिस मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि ये मोटर है तो सीधी सी बात है इसमें आपका दो पार्ट होगा, एक स्टेटर और एक आपका रोटर, ओके। थ्योरी अभी पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे
स्टेटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग रोटर को देखते हैं। देखिए अभी सबसे पहले समझिए, क्योंकि ये एक सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर में आपको मैंने बताया था जब थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई कि इसमें आपका जो रोटर होता है दो तरीके का होता है, एक तो प्रोजेक्टेड टाइप मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ओके, इधर नॉर्थ, इधर आपका साउथ, और इसको इस तरीके से हम लोग रोटर में डालते हैं। तो प्रोजेक्टेड टाइप में क्या होता है, आपका जो एयर गैप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इधर इधर देख रहे हैं एयर गैप कम है, लेकिन इधर इधर देख रहे हैं एयर गैप ज़्यादा है, क्लियर हो गया। और दूसरा जो होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ये मान लेते हैं स्टेटर है और इसके अंदर जो रोटर होगा आपका ये इस तरीके से रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। तो यहाँ पे एयर गैप क्या होता है, एक तरीके से यूनिफॉर्म होता है, क्लियर हो गया। तो अभी हिस्टेरेसिस मोटर भी एक सिंक्रोनस मोटर है, तो इसका रोटर कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आपका दो पार्ट में रोटर बना हुआ होता है, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ये जो बाहरी रिंग देख रहे हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है, मैग्नेटिक मटेरियल कैसा, जिसका रिटेंटिविटी हाई हो, मतलब कहिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिंग है, और इसका खासियत क्या है कि इसका रिटेंटिविटी हाई है। रिटेंटिविटी हाई कहने का मतलब क्या कि करंट को आप जीरो भी कर दीजिएगा ना, उस केस में इसके अंदर रिसीडुअल मैग्नेटिज्म धारण करने का क्षमता ज़्यादा होता है, क्लियर हो गया। या फिर कहिए आप सीधे सीधे ये जो आपने स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल का जो रिंग रखा हुआ, जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस रिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका जो बीएच कर्व बनेगा वो वाइडर बनेगा, चौड़ा बनेगा। देख रहे हैं यहाँ पे दो बीएच कर्व दिखाया गया, एक तो पतला वाला और एक आपका ये मोटा वाला। तो देखिए पतला वाला अगर यूज़ करते तो इसमें देख रहे हैं रिटेंटिविटी इतना ही है, छोटा है, मतलब इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत कम रहेगा भाई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप चौड़ा लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है मिलेगा, यानी उतना ही ज़्यादा रिटेंटिविटी है, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये चौड़ा वाला यूज़ करेंगे, ओके, यानी ये इस मटेरियल का जो बीएच कर्व है ये बहुत ही वाइडर होगा, क्लियर हो गया, ताकि इसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा हो सके। उसके बाद ये जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है भाई ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जैसे एल्युमिनियम, ओके, तो इसको हम लोग एल्युमिनियम का बनाते हैं। तो भाई ये दो डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो कि रिंग है और एक आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि अंदर वाला कोर है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे शाफ्ट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने होल छोड़ रखा है। अब हम लोग आते हैं स्टेटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। देखिए रोटर में एक चीज़ और समझिए, इसके ऊपर हम लोग कोई वाइंडिंग नहीं करते हैं, कोई भी वाइंडिंग नहीं किया है, बस हम लोगों ने दो डिफरेंट मटेरियल का इस तरीके से किया हुआ है, क्लियर हो गया। ये जो बाहरी जो रिंग है ना, इसका एक और खासियत होता है, ये पतला पतला पत्ती काट काट के सबको एक दूसरे से लैमिनेटेड किया हुआ रहता है, ठीक ना भाई, ओके। जैसे हम लोग कोर बनाते हैं ना ट्रांसफार्मर का कोर, उसी तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, क्लियर हो गया। अब हम लोग यही है कि इसमें कोई वाइंडिंग नहीं करते हैं, कोई वाइंडिंग नहीं किया हुआ, कोई इसमें स्लॉट्स कटे हुए नहीं होते, यानी कोई इसमें टीथ नहीं होता एक तरीके से। अब हम लोग स्टेटर की बात करते हैं, तो जो स्टेटर होता है भाई इसका, ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो यूज़ किया है ना स्टेटर, वही यूज़ करते हैं यहाँ पे भी। या फिर कहीं जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन बोलिए या फिर कहिए सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि दोनों का स्टेटर जो होता है सेम होता है, ठीक है भाई, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टेटर का मतलब क्या है, स्टेटर का मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, ताकि सेल्फ स्टार्ट बना सकें इसको। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से बनता है, एक तो थ्री फेज का आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसमें आप तीनों वाइंडिंग को क्या कीजिए एक तरीके से 120 120 120 पर रखिए, और जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसमें भी 120 120 का फेज शिफ्ट होना चाहिए, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। सिंगल फेज में क्या था, हम लोगों ने देखा था कि अगर आप मेन वाइंडिंग यानी एक ही वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो पल्सेटिंग बनता है, कभी भी रोटेटिंग नहीं बन पाता। इसके चलते आपने देखा था डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में कि मेन वाइंडिंग में कभी भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है, इसलिए पंखा घूम नहीं पाता है। तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्प्लिट फेज मैथड यूज़ किया था। यानी अब स्टेटर के अंदर मेन वाइंडिंग तो रहेगा ही, साथ में आप क्या कीजिए यहाँ पे एक और वाइंडिंग डालिए जिसको हम लोगों ने ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोला था, सही बात है।
और ये दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री के फेस शिफ्ट पे रखिए, और इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकली 90 फेस शिफ्ट में होना चाहिए। आपका यहाँ पे भी रोटेट है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। तो जो स्टेटर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, द स्टेटर ऑफ हिस्टेसिस मोटर इज सिमिलर टू डैट ऑफ एन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर की तरह होता है विद द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, कि आपके यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, ओके। तो वही बोल रहा है, दस द स्टेटर ऑफ द मोटर कैन बी कनेक्टेड टू आइदर। अब सीधी सी बात है, हम लोग को यहाँ पे मेन पर्पस है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना, तो सिंगल फेज सप्लाई दे करके या फिर थ्री फेज सप्लाई दे करके हम लोग कर सकते हैं। तो बोलता है, वी नो डैट थ्री फेज मोटर प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी थ्री फेज अगर आप यूज़ करते हैं स्टेटर के अंदर वाइंडिंग और थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मिलेगा, यूनिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, देन एज कम्पेयर टू द सिंगल फेज मोटर। अब यहाँ पे अगर सिंगल फेज की बात करें, क्योंकि अभी हम लोग सिंगल फेज पढ़ रहे हैं, तो सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर बनाना है तो स्टेटर वाइंडिंग में क्या करेंगे, हम लोग मेन वाइंडिंग तो होगा ही होगा, साथ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी यूज़ करेंगे, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को हम लोग क्या कर रहे थे, अंदर में स्प्लिट कर रहे थे, ठीक है। तो ये स्प्लिट कैपेसिटर मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर सेडेड पोल मेथड यूज़ कर सकते हैं। भाई ये सब क्या था, इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने का मेथड था। स्प्लिट फेज मेथड में बताया था मैंने आपको, कैपेसिटर लगा दीजिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग में और मेन वाइंडिंग में, आपका ऐसी रहन दीजिए, तो उनमें क्या होता है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, जिसके चलते आपका फ्लक्स रोटेट करने लगता है, ओके। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर वाला यूज़ कीजिए, सेडेड पोल मेथड यूज़ कीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटर, रोटर समझा दिया मैंने आपको। अब हम लोग बात करते हैं इसमें टॉर्क कैसे आता है, क्या भाई स्टार्ट कैसे होता है ये। सबसे पहला स्टेप, NS मान लेते हैं 1000 RPM। NS 1000 RPM का मतलब क्या है, ये आपका स्टेटर है, स्टेटर में आपने यहाँ से दो फेज मतलब सिंगल फेज सप्लाई दिया, अंदर में क्या होता है आपका मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग में टूटता है तो दो फेज में स्प्लिट हो जाता है, मतलब कि ये सीधे सीधे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है इसमें, क्लियर हो गया। ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये घूम रहा है गोल गोल 1000 RPM पे। अब हम लोग रोटर को थोड़ा सा दिखाते हैं, ये जो अंदर में रोटर है, ठीक है, बाहरी जो मैंने इस तरीके से दिखाया ना डार्क ग्रीन, ये समझिए आपका रिंग है, हिस्टेरेसिस रिंग, क्लियर हुआ। और अंदर वाला ये जो हिस्सा है, ये मान लेते हैं एलुमिनियम है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए NS मेरा 1000 RPM पे घूम रहा है, NR अभी मान लेते हैं 0 पे है, यानी स्टैंड स्टील, रुका हुआ है। दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये 0 पे है, ये 1000 पे है, सही बात है। तो ये जो फ्लक्स है बहुत तेज़ी से, ये जो रिंग है मैग्नेटिक रिंग, इसको भी कट कर रहा होगा, और ये जो अंदर वाला एल्युमिनियम का हिस्सा है उसको भी कट कर रहा होगा, सही बात है। और इस रिंग के अंदर भी EMF आ रहा होगा फराडे लॉ के कारण, ये जो एल्युमिनियम रिंग है इसके अंदर भी आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा होगा, और दोनों के अंदर EMF आ रहा, तो सीधी सी बात है दोनों के अंदर करंट भी आ रहा होगा, मतलब रिंग के अंदर भी, बाहरी रिंग के अंदर भी करंट आ रहा है, और जो आपका ये एल्युमिनियम वाला हिस्सा है इसमें भी करंट आ रहा है। और मैंने आपको बताया था भाई कि करंट आ गया तो ये अपना खुद का एक फ्लक्स बनाएगा, और क्योंकि ये फ्लक्स जो बन रहा है ये इसलिए बनता है ताकि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। लेंज़ लॉ ये बोलता है ना, जिसके कारण जो जन्म लिया है उसी को ये अपोज करेगा, सही बात है। तो यहाँ पे करंट आ गया तो करंट आने के चलते इसका खुद का एक फ्लक्स बनेगा, यानी रोटर अपना खुद का एक फ्लक्स बनाएगा, ठीक है, और वो फ्लक्स भी रोटेटिंग होगा। ये समझाया था मैंने आपको कि अगर स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर दो फेज के करंट हैं और दोनों एक 90-90 के फेज शिफ्ट पे हैं, तो इसके अंदर भी जो करंट आएगा, रोटर के अंदर भी जो करंट आएगा, वो भी करंट क्या होगा, 90 डिग्री के फेज शिफ्ट वाला होगा, इसका भी अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक मतलब जो करंट है उस नेचर का, तो इसका भी अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। और अगर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो रोटर का भी जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ताकि इसको यानी ये भी घूमने लगे, ये भी घूमने लगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अपोजिशन, मतलब ये अपोज कर रहा है एक तरीके से, समझे, सब पता होना चाहिए आपको। और क्योंकि
जो फ्लक्स सेटअप हुआ है इसके अंदर रोटर के अंदर, ये इस मेन फ्लक्स को एक तरीके से अपोज करना चाहता है, यानी इसके अंदर से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको कम करना चाहता है। तो ऑटोमेटिक क्या करता है, ये रोटर को लेकर के घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और रोटर अगर घूमने लग गया तो सीधी सी बात है इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड था वो एक तरीके से कमना स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लेते हैं धीरे धीरे 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300, समझ रहे बात को, तो इनका रिलेटिव स्पीड कम रहा है ना, समझ गए। तो अब कह सकते हैं स्टार्टिंग के केस में ये जो मोटर स्टार्ट हुआ, यानी इसको जो टॉर्क मिला, इसको यहाँ पे कौन सा टॉर्क मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लक्स बन रहा है, एक तो आपका स्टेटर के चलते हैं और एक आपका रोटर के चलते हैं, समझ में आया। और दोनों एक दूसरे से इंट्रैक्ट होता है और यहाँ पे टॉर्क पैदा होता है, तो घूमना स्टार्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, या फिर कहिए जो स्टार्ट होता है, ये इंडक्शन प्रिंसिपल पे होता है, इंडक्शन प्रिंसिपल, या फिर कहिए इंडक्शन मोटर की तरह ये एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, लेकिन रुकिए, यह है आपका सिंक्रोनस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर क्या है, ये एक सिंक्रोनस मोटर है। तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा कहाँ पे घूमेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। सिंक्रोनस स्पीड कितना मान रखा है मैंने, 1000 RPM। तो अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1000 RPM पे घूम रहा है तो NR को भी कहाँ आना है, 1000 RPM पे आना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं 1000 RPM पे रोटर को ला करके थोड़ा सा मैं आपको एक केस समझाता हूँ। मान लेते हैं ये रोटर भी 1000 RPM पे घूम रहा है, बस समझिए कैसे घूम रहा है, अभी समझ में आएगा। बस समझिए कि रोटर भी 1000 RPM पे घूम रहा है। इस केस में दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगा, NS भी 1000 RPM और रोटर भी आपका 1000 RPM, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड जीरो। रिलेटिव स्पीड जीरो तो कोई फ्लक्स कट नहीं कर रहा होगा रोटर के कंडक्टर को, यानी d∅dt जीरो, ये जीरो तो EMF जीरो, EMF जीरो तो करंट जीरो, करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो इंट्रैक्शन टॉर्क जीरो, या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो तो ये जो रोटर है ये ऑटोमेटिक क्या होगा, स्लो डाउन होने लगेगा। क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनस स्पीड पे इंडक्शन टॉर्क हमेशा जीरो हो जाता है। सिंक्रोनस स्पीड पे इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण जो टॉर्क मिल रहा था वो हमेशा जीरो हो जाता है। इस चीज को आप दिमाग में घुसा लीजिए, ये बहुत बार बता रखा है मैंने आपको। क्लियर हुआ, यानी हिस्टेरेसिस मोटर में इंडक्शन टॉर्क हमेशा कब मिलेगा, जब आपका NR हमेशा क्या है, छोटा है NS से, तभी तक मिलेगा आपका। क्लियर हो गया, लेकिन ये हिस्टेरेसिस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पे कैसे घूमते रहता होगा, सोचने वाली बात है भाई। स्टार्ट तो समझ में आ गया कि इंडक्शन प्रिंसिपल से स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन ये घूमते कैसे रहेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। तो घूमते रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये जो बाहरी हरा कलर का जो रिंग दिखाया ना मैंने, जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस रिंग बोल रहे हैं, इसका जादू होता है। कैसे, समझिए, तो थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ आपको। जब आपका NR इक्वल टू जीरो था, ध्यान समझिए, जब आपका NR इक्वल टू जीरो था और NS जो है आपका, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1000 RPM पे घूम रहा था, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं रोटर के ऊपर फोकस करूंगा। ये मान लेते हैं रोटर है, ये हरा वाला दिखा रहा हूं बाहरी रिंग, ठीक है, ये पूरा पूरा रोटर पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में भाई करंट दोनों में आ रहा था, ये बाहरी रिंग में भी आ रहा था, इसमें भी रिंग आ रहा, मतलब अंदर वाला जो एल्यूमिनियम पोर्शन था इसमें भी आ रहा था। सही बात है, सही बात है। और ये जो बाहरी रिंग था ये क्या था, एक तरीके से ये बाहरी रिंग, ये सब क्या है, पतला पतला पत्ती काट काट के सब एक दूसरे से लैमिनेटेड है। तो एक पत्ती में भी क्या हो रहा होगा, मतलब हर एक पत्ती में एक तरीके से EMF इंड्यूस हुआ, उसके चलते करंट हुआ, उस करंट को क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं, समझ में आया। मतलब कह सकते हैं हर एक पत्ती, यानी जो है ना आपका ये बाहरी वाला, ये सब भाई लैमिनेटेड, मतलब क्या समझते हैं आप, ठीक है, उसको समझिए, आप इमेजिन कीजिए कैसा बना हुआ है इसको। तो हर एक पत्ती आप कह सकते हैं, हर एक पत्ती के अंदर करंट है, हर एक पत्ती के अंदर करंट है, मतलब क्या, हर एक पत्ती क्या है, एक तरीके से मैग्नेटाइज हो रखा है। मैग्नेटाइज मतलब क्या है, इस तरीके का वाला सिचुएशन जो BH कर्व में समझाया मैंने आपको, समझ में आया।
भाई मैग्नेटाइज का मतलब क्या, ये कोर के अंदर करंट आ गया, समझ, क्या है, मैग्नेटाइज हो रखा है एक तरीके से, समझे। और ये जो आपने यहाँ पे जो रिंग यूज़ किया है, इसका रिटेंटिविटी बहुत हाई है, रिटेंटिविटी हाई है, इसका मतलब क्या, जब इसमें करंट जीरो हो जाएगा उस केस में भी ये क्या होगा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मैग्नेट दिखाएगा अपना, मैग्नेटिज्म दिखाएगा अपना, समझे। तो अब समझिए कि सिंक्रोनस स्पीड पे कैसे घूमते रह जाता है, ये कहाँ से इसको टॉर्क मिलता है, क्योंकि इंडक्शन टॉर्क तो जीरो हो गया है सिंक्रोनस स्पीड पे, हाँ, तो मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए कहाँ से टॉर्क मिलता है इसको, तो ये मिलता है इस रिंग के कारण, कैसे, तो समझिए। आ जाइए सीधे सीधे सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी NS 1000 RPM और NRB 1000 RPM। आप बोले 1000 RPM पे रोटर को आप कैसे लेकर के आ जा रहे हैं, तो अभी बस समझिए कि मैंने बाहर से प्राइम मूवर लगा करके उसको 1000 RPM पे घुमा दिया, ऐसे समझिए आप, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है मैंने आपको, मतलब इस रोटर के अंदर। तो इस केस में क्या होगा भाई, जब दोनों 1000 RPM पे घूम रहा है तो EMF जो इंड्यूस्ड होगा इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण वो तो जीरो होगा, ना ही इसके अंदर होगा ना ही एल्युमिनियम वाले हिस्से में होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव फ्लक्स जीरो है, मतलब कोई स्पीड ही नहीं है इन लोगों के बीच में, रिलेटिव स्पीड जीरो, फ्लक्स जीरो, वही है d∅dt जीरो, तो EMF जीरो, EMF जीरो तो करंट जीरो, समझ रहे बात को, क्लियर हुआ, करंट जीरो, मतलब दोनों में एल्युमिनियम में भी कोई करंट नहीं है, बाहरी वाले रिंग में भी कोई करंट नहीं है। लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे आने से पहले ये जो बाहरी रिंग है इसमें क्या था, करंट था, समझ रहे बात को, यानी पहले से ये एक तरीके से मैग्नेटाइज था, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे मेरा करंट जीरो हो चुका है, अब करंट जीरो हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या होगा, इस रिंग के अंदर आपका एक तरीके से कहिए मैग्नेटिज्म होगा, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि इसका रिटेंटिविटी हाई है, रिटेंटिविटी हाई इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत अच्छा खासा मैग्नेट होगा, यानी ये एक नॉर्थ और एक आपका ये साउथ पोल बना करके रखेगा, समझ में आया। और क्योंकि जो स्टेटर है इसका खुद का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1000 RPM पे घूम रहा है और ये एक तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ शो करने लग गया, तो आप कहेंगे ना कि ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है रोटर, और अगर ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है रोटर तो सीधी सी बात है, और इसी के बगल में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक और साउथ नॉर्थ घूम रहा है, तो दोनों के बीच में लॉकिंग हो जाएगा, और लॉकिंग हो जाएगा तो ये दोनों घूमना मतलब हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे घूमते रह जाएगा, क्लियर हुआ। तो इस चीज को समझिए आप कि रिटेंटिविटी एक कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और स्टार्टिंग में मैंने उतना टाइम क्यों दिया है, फिर उतना एनर्जी मैंने वहां पे क्यों एक तरीके से खत्म किया अपना। अगर हम लोग इसको अपने थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर से कंपेयर करें तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में भी तो यही हो रहा था, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं था, सेल्फ स्टार्ट नहीं था तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे थे, इंडक्शन प्रिंसिपल पे स्टार्ट कर रहे थे इसको, और इंडक्शन प्रिंसिपल पे स्टार्ट करने का मतलब क्या कि रोटर के अंदर हम लोगों ने बार डाल रखा था, एल्युमिनियम बार इस तरीके से, समझे। और जब इन लोगों के बीच में यानी NR इक्वल टू जीरो, NS इक्वल टू मान लेते हैं 2000, 1500, 2500, 3000 कुछ भी जो भी स्पीड है, ठीक है, उसके इसमें क्या हो रहा था आपका इंडक्शन प्रिंसिपल कारण, मतलब क्योंकि जो आपने बार डाला एल्युमिनियम बार, इसके अंदर EMF आ रहा था, EMF के चलते करंट आ रहा, करंट के चलते आपका फ्लक्स आ रहा, फ्लक्स के चलते आपका इंट्रक्शन टॉर्क, टॉर्क के चलते घूमना स्टार्ट कर दे रहा था, समझ गए। और जब NR मान लेते हैं, अभी NS मान लेते हैं थ्री फेज के केस में ये 1500 RPM था, ठीक है, और NR मान लेते हैं 1400 RPM पे जब आ जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, उस केस में फिर हम लोग DC एक्साइटेशन देते थे, DC एक्साइटेशन देते जो मेरा रोटर था वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करना लगता था, और परमानेंट मैग्नेट बनते हैं क्या था कि आपका वो जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेट है उसके साथ लॉक करके ये सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाता था, मतलब इसको सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क मिल जाता था वहाँ पे, जैसे हम लोग DC एक्साइटेशन देते थे, वही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है कि आपका ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड सेटअप हो रहा है, लेकिन ये आपका क्या एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट बिहेव करेगा क्योंकि अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, समझ के बात को। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला केस समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, NS इक्वल टू 1000 RPM, ठीक है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, NR मान लेते हैं भाई 950 RPM पे, ठीक है, यानी NR जितना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, आप कहिए इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा था पहले के मुकाबले, इसका करंट का वैल्यू घटते चला जाएगा, NR जैसे जैसे सिंक्रोनस स्पीड पर पहुँचते जाएगा, वैसे वैसे इस वाले हिस्से पर फोकस कीजिए, इसके अंदर जो करंट आ रहा था ED करंट इंड्यूस जो हो रहा था वो कमते चला जाएगा, समझ गए। और मैंने आपको बताया रिटेंटिविटी हाई कहने का मतलब क्या है कि करंट कम होगा, कम होने के बाद भी क्या होगा, ये एक तरीके से इसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना हुआ रहेगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो कॉमन सेंस है, इसमें आप लगा के अपना समझ लीजिए, समझा दिया जो मेन कॉन्सेप्ट था, तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। थोड़ा सा प्रिंसिपल मैं आपको समझाता हूँ, देखें
ये आपका रोटर का दिखाया गया, अब ये कैसे एक्सेस दिखता है ये सब सब बताया आपको थ्री फेज में, तो ये सब पे बात नहीं करेंगे। स्टेटर का है मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस, ये रोटर का, इनके बीच में डेल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों मैग्नेटिक लॉकिंग करके ये गोल गोल घूमते रह जाएगा आपका। टॉर्क की बात करते हैं अब, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो कहिए मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड, सही बात है, सही बात है। यहाँ से अगर मैं टॉर्क निकालूँ, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय आपका जो स्पीड है वो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका ईडी करंट वही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में से बताया हुआ, ठीक है, ये पावर लॉस होता है ड्यू टू ईडी करंट, ठीक है। के ई क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर, और बी मैक्स के मतलब ये जो फ्लक्स डेंसिटी इसके स्क्वायर के ऊपर होता है, ये फार्मूला ये पता होना चाहिए आपको। अब हम लोग टॉर्क के ऊपर बात करते हैं, देखिए टॉर्क इक्वल टू अभी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे स्पीड होता है, स्पीड को हम लोग यहाँ पे ओमेगा एस के रूप में लेते हैं। आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर समझिए, पढ़िए, भूल गए तो वहाँ पे सब चीज़ बताया गया ये कहाँ से आता है। अब यहाँ पे बोलिएगा स्लिप कहाँ से आ गया इसमें, तो स्लिप इसलिए आ रहा भाई क्योंकि इस मोटर के अंदर देखिए यहाँ पे समझिए, यह है ना टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है पी जी, ग्रॉस पावर बोलते हैं, डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है, ये वन माइनस एस ये क्या है इंटू एस, ये ओमेगा आर के रूप में दिखाया गया, ठीक है, ऐसे सब बताया गया, कट करके क्या होता है ग्रॉस पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, क्लियर हुआ। कब ये ग्रॉस पावर लेंगे तब जाके आपको नीचे में ओमेगा एस से डिवाइड करना है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ग्रॉस पावर लेंगे तब नीचे में आपका ओमेगा एस दिखाया जाता है, यहाँ पे ये ग्रॉस पावर नहीं है, ये जो पूरा पूरा मोटर है ना भाई, इस मोटर के अंदर आपका दो पावर है, एक तो ईडी करंट और एक आपका हिस्टेरेसिस के चलते हैं। देखिए बस इतना समझिए यहाँ पे भाई, ये ग्रॉस पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग को एस लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये कैसे होता है ये अभी छोड़ दीजिए, ये बात की बात है, बस समझिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, लेकिन यहाँ पे आपको स्लिप लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस पावर यहाँ पे नहीं ले रहे हम लोग, क्लियर हुआ। तो अब देखिए जो हम लोग का पावर ड्यू टू ई डी करंट क्या था आपका, के एफ स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर हुआ, इतने के बराबर होता है। और ये जो आपका F है, ठीक है, इसको हम लोग क्योंकि अभी रोटर पे काम कर रहे हैं, देखिए इसको समझिए क्या बोलते हैं, द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूसेस द ईडी करंट इन द रोटर, सही बात है, ईडी करंट आएगा उसमें क्योंकि सारा का सारा रोटर क्या है एक तरीके से लैमिनेटेड है, तो हर एक छोटे छोटे स्ट्रिप के अंदर यानी छोटा छोटा जो है पतला पतला पत्ती उसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, ईडी करंट ही तो बोलते हैं हम लोग। तो इस ईडी करंट के चलते क्या होगा, एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते हम लोग को टॉर्क मिलेगा, ठीक है, तो वही है, दस देर इज एडिशनल टॉर्क ऑन द रोटर ड्यू टू द ईडी करंट, क्लियर हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग। अब टॉर्क की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, तो पावर कौन सा होगा आपका, ईडी करंट पावर होगा, तो ईडी करंट पावर इक्वल टू इतना बराबर होता है, ओके। और क्योंकि ये रोटर के अंदर आ रहा है ना भाई, ये ईडी करंट कहाँ आ रहा है, रोटर के अंदर आ रहा है, तो रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी डालेंगे F2, और आपको पता है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F2 इक्वल टू क्या होता है, S इंटू F1, तो F2 के जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे S इंटू F1, देखिए यहाँ पे पुट कर लिया भाई मेरे, ये जो F2 स्क्वायर है इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, S इंटू F1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, S स्क्वायर इंटू F1 स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, वही लिखा हुआ है, के ही वैसे का वैसे ही रहेगा, F2 स्क्वायर की जगह S स्क्वायर F1 स्क्वायर और B स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं लिखता हूँ टॉर्क इक्वल टू पावर, पावर क्या है मेरा, K E S स्क्वायर F1 स्क्वायर और B स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है स्लिप इनटू ओमेगा एस, तो एक स्लिप से एक स्लिप कट जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी जो है देखिए एक पर्टिकुलर सोलेनॉइड के लिए बी जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब उसका एक रेंज होता है भाई, ठीक है, जो आपने बी एच कर्व इस तरीके से पढ़ा ना, ये बनाया आपने, ये जो सैचुरेशन है इसका एक मैक्सिमम रेंज होता है कि इतना ही दूर तक आपका ये फ्लैक्चुअल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज़ कांस्टेंट होगा इंडिया के लिए, के ही अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका टी इक्वल टू यहाँ पे के ई, ठीक है, ये के ई बचा, F1 स्क्वायर बचा, B स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, और यहाँ पे जो स्लिप एक बचा हुआ है इस स्लिप को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको मैं K मान लेता हूँ भाई, सिंक्रोनस स्पीड भी तो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए,
इसको हम लोग के मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के इंटू एस। क्लियर हो गया, जहाँ पे के का वैल्यू है वही किताब में किया हुआ है। तो जो आपका ईडी करंट टॉर्क मिलेगा, यानी ईडी करंट के चलते जो टॉर्क मिलेगा, ये के इंटू स्लिप, वही चीज़ हम लोग का भी है, के इंटू स्लिप। तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे भाई सिंक्रोनस स्पीड की बात करें, यानी एन एस इक्वल टू 1000 RPM है और एन आर इक्वल टू भी 1000 RPM, यानी जब रोटर जो है आपका सिंक्रोनस स्पीड पे जब घूमने लगेगा, तो इस केस में आप स्लिप निकालिए, स्लिप इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, सही बात है। तो ये भी 1000 RPM, ये भी 1000 RPM, तो कट के क्या हो जाएगा, स्लिप मेरा जीरो, यानी भाई सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप मेरा जीरो होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो स्लिप की जगह जीरो पुट कीजिएगा, तो के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा पूरा जीरो, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे ईडी करंट टॉर्क आपका जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया। और ईडी करंट कैसे आ रहा था, इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण ही तो आ रहा था। तो आप कह सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड पे ईडी करंट टॉर्क जीरो हो गया, या फिर कहिए आप कह सकते हैं कि इंडक्शन टॉर्क मेरा जीरो हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है आपका टॉर्क हिस्टेरेसिस लॉस के कारण आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई 50 Hz आपने एसी सप्लाई दिया था, अंदर में क्या हो रहा है, एक बार इधर मैग्नेटाइज हो रहा होगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो लॉस होगा ना हिस्टेरेसिस लॉस, तो ये इतने के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला है ये आपका लिखा हुआ, F2 की जगह आप पुट कर सकते हैं एस इंटू F1। क्लियर। और टॉर्क इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला, हिस्टेरेसिस पावर ड्यू टू आपका स्लिप डिवाइडेड बाय स्लिप इंटू ओमेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। जो आपका कांस्टेंट है, जैसे के कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ओमेगा एस कांस्टेंट, तो इसका ओवरऑल क्या कर लीजिए, के, ठीक है। और ये जो स्लिप है ना, स्लिप आपका कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो देखिए पीएच की जगह क्या लिखेंगे, के एच एस F1 B 1.6 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इंटू एस, तो एस कट जाएगा ना यहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंक्रोनस स्पीड पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये के बराबर है ना, सिर्फ और सिर्फ, इसमें स्लिप आया ही नहीं, समझ रहे बात को, स्लिप तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक नीचे में स्लिप था, एक ऊपर में स्लिप था आपका, ठीक है। तो ओवरऑल जो होगा आपका सिंक्रोनस स्पीड पे जो टॉर्क मिलेगा, वो किसके चलते मिलता है, हिस्टेरेसिस के चलते मिलता है। फिर कहिए सिंक्रोनस स्पीड पे चलते रहने के लिए जो टॉर्क मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है, हिस्टेरेसिस के कारण मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस मोटर। क्लियर हो गया। तो वही थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है फालतू का, कि आपका जो इक्वेशन ऊपर वाला था, ये वाला इक्वेशन कहाँ गया हम लोग का, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इसमें लिखा गया है टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल है स्लिप पे, तो वही है कि आपका जब मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ लेगा, तो स्लिप वहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, स्लिप जीरो हो जाएगा, तो ईडी करंट टॉर्क मेरा जीरो, या फिर कहीं इंडक्शन प्रिंसिपल के चलते जो टॉर्क मिलता था जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। और वही है द स्टेट, मतलब वही सब लिखा हुआ भाई, फालतू चीज़ समझा दिया मैंने आपको। अब थोड़ा सा रिलक्टेंस में जो मैंने आपको ग्राफ बताया था उसमें समझिए, देखिए ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था ये आपका क्या था, मेन वाइंडिंग का दिखाया गया था आपका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लेकिन मेन प्लस ऑक्सिलरी कीजिएगा तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ ना कुछ मिलता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया, सही बात है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण मिल रहा है, तो टॉर्क हम लोग का कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यानी स्टार्टिंग में, यानी जब मेरा स्पीड जीरो है उस समय कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा हम लोग को। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। तो इसका ग्राफ समझिए, ये है आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका टॉर्क का है, ये आपका स्पीड का है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब एन आर जीरो था तो टॉर्क हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, क्यों, क्योंकि इंडक्शन की तरह स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, इस तरीके से। और ये पूरा पूरा क्या है, ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक ना भाई, समझ गए। तो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होगा, टॉर्क थोड़ा सा मेरा कमता है, क्यों, क्योंकि आपका उस समय ईडी करंट, मतलब ईडी करंट के चलते अभी इंडक्शन टॉर्क मेरा एक तरीके खत्म है, लेकिन सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, हिस्टेरेसिस कारण, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉल होते हुए आपको दिखेगा। तो ये जो वन वाला ग्राफ है इस तरीके से रेक्टेंगुलर, ये आपका आइडियल है, ठीक है। और ये दो वाला जो है डॉटेड लाइन, ये आपका क्या एक तरीके से प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे भाई इस ग्राफ को पहले समझाता हूँ मैं आपको। देखिए एक सेकंड के लिए आप जो ईडी करंट के चलते, यानी इंडक्शन प्रिंसिपल के चलते टॉर्क मिल रहा है, उसको आप एक तरीके से मान लीजिए वो जीरो है, ठीक है, उसको आप मानिए है ही नहीं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सिर्फ और सिर्फ टॉर्क अगर आप हिस्टेसिस के कारण मानते हैं, तो हिस्टेसिस के कारण जो टॉर्क का इक्वेशन आई, ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, समझ रहे, देख रहे हैं, हिस्टेसिस टॉर्क इक्वल टू के, के मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, देख रहे हैं, इसमें है ही क्या, फ्रीक्वेंसी आपका सप्लाई का कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, स्पीड आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का वजह थ्योरी अगर मैं पढ़ाऊँ, देखिए क्या बोलता है,
यहाँ से पढ़ते हैं, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेसिस मोटर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर से अलग होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। बोलता है द टॉर्क डेवलप बाय इंडक्शन मोटर बिकम जीरो एट सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो सिंक्रोनस स्पीड पे आते ही टॉर्क जो बनते रहता है वो जीरो हो जाता है। सही बात है, अभी भी समझाया मैंने आपको। वाइल इन एन आइडियल हिस्टेसिस मोटर, हिस्टेसिस मोटर की बात करें और सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फोकस करना है हिस्टेसिस के चलते जो हम लोग को टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है वाइल इन एन आइडियल हिस्टेसिस मोटर इट इज़ कॉन्स्टेंट एट ऑल स्पीड, क्योंकि हिस्टेसिस जो टॉर्क है वो कॉन्स्टेंट है हर एक स्पीड पे, इंक्लूडिंग सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड पे भी वो कॉन्स्टेंट ही है ना भाई, अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बताया सेकेंड वाला। दस इट इज सीन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक दैट लॉक्ड रोटर, लॉक्ड रोटर की बात करें या फिर स्टार्टिंग या फिर कहिए पुल आउट टॉर्क, ऑल आर इक्वल। इसीलिए मतलब हर जगह ये हिस्टेरेसिस के चलते जो टॉर्क मिल रहा है ना वो कांस्टेंट है, समझ में आया। फिर चाहे ये लॉकिंग वाले कंडीशन में हो या फिर पुल आउट टॉर्क पे हो, यानी इंडक्शन से जब वो सिंक्रोनस पे आ रहा है एक तरीके से, या फिर कहीं यहाँ पे, हर जगह ये कांस्टेंट है इसीलिए इसको दिखा रहा है। हिस्टेरेसिस मोटर मतलब क्या, सिर्फ हिस्टेरेसिस के चलते जो हम लोग को टॉर्क मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो इक्वेशन से आप देख रहे हैं, मैथमेटिकली देख रहे हैं, कांस्टेंट चीज़ है तो कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट रहेगा आपका, क्लियर हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक स्पीड पे, फिर चाहे लॉकिंग वाला देख रहे हो, स्टार्टिंग वाला देख रहे हो, पुल आउट टॉर्क देख रहे हो, हर जगह ये कांस्टेंट मिलेगा आपको। दिस इज़ अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस मोटर का, डैट सच अ मोटर कैन पुल इनटू सिंक्रोनिज्म एट हाई इनर्शियल लोड। मतलब ये आप हाई इनर्शियल लोड पे भी क्या कर सकते हैं, इसको एक तरीके से सिंक्रोनिज्म में ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहे ना इसका। ओके, तो अब इसका एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन आप MCQs लगाइएगा उसमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोलता है, द हिस्टेरेसिस मोटर हैज़ अ वेरी लो नॉइज लेवल, मतलब बहुत ही लेस नॉइज होता है इसमें एज कम्पेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दिस इज बिकॉज इट ऑपरेट्स एट वन स्पीड, यानी एक ही स्पीड पे चलाते हैं इसीलिए, ठीक है, नॉइज नहीं आता है इसमें। एंड इट्स रोटर इज स्मूथ अनस्लॉटेड, सीधी सी बात है अनस्लॉटेड। जैसे देखिए अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो अगर कोई ब्रिज आता है ना, ब्रिज, ठीक है, पुल, खासकर जिसमें लोहे का इस तरीके से किनारे किनारे ब्रैकेट बना हुआ रहता है, इसमें जब आपका बहुत ही तेज़ी से ट्रेन जाएगा तो देखिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, ठीक है। नॉइज़ होने का कारण क्या है कि जो एयर है वो जो बीच बीच में गैप होते हैं उसमें घुस जाते हैं एक तरीके से, समझे। तो यहाँ पे वही है कि इसमें कोई स्लॉट्स नहीं होता है, रोटर के अंदर कोई टीथ नहीं होता है, ठीक है भाई, समझ गए, उसके कारण आपका एक तरीके से ये नॉइज़ नहीं होता है। विथ अ परमानेंट कैपेसिटर स्टेटर, मतलब ये टू फेज की तरह आप स्टार्ट कर रहे हैं ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते। द हिस्टेरेसिस मोटर इज स्मूथ रनिंग, स्मूथ रनिंग क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका स्मूथ है, क्वाइट होता है मतलब आवाज़ नहीं करता है, सिंगल फेज मोटर है ये, देयरफॉर इट इज़ प्रिफर्ड फॉर क्वालिटी साउंड रिप्रोडक्शन इक्विपमेंट, जैसे साउंड रिकॉर्डर में यूज़ करेंगे, टेप रिकॉर्डर में यूज़ करता है। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज़ फॉर इलेक्ट्रिक क्लॉक में यूज़ करें, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है ना तो कॉन्स्टेंट स्पीड तो चाहिए होता है हम लोग को घड़ी में, समझ गए, या फिर अदर टाइमिंग डिवाइसेस। विथ प्रोविजन फॉर पोल चेंजिंग इन द स्टेटर द मोटर इज मल्टी स्पीड, वही है, अब NS इक्वल टू 120 FP होता है तो पोल को चेंज कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, इसके स्पीड को भी आप वेरी कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और ये जो मोटर होते हैं छोटे छोटे साइजेस में बनाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट आपका सर्वो मोटर है।